Assalamu alaikum class 10, I am your English teacher and this is your lecture number 2 of topic paragraph. As in the previous lecture we have discussed the method of paragraph writing, how you can translate the paragraphs into English without any spelling mistake or grammar mistake. Okay, and today we are discussing paragraph number 2. Translate the following paragraph into English. मैंने आपको previous lecture में बताया था कि आपको 8 number का ये paragraph आता है board में, जिसमें आपके पास चॉइस मौजूद नहीं होती है, आपने सारे पैराग्राफ को ही करना होता है. ठीक है, इसलिए आपने इसको मेथड, हमने जो है इसको मेथड को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करेंगे. इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको हम माइंड में रखेंगे ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक की गुंजाइश बाकी ना रहे. ठीक है, इसके अलावा जो हमने इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की थी वो मैंने आपको कहा था कि आपको जो मोस्टली पैराग्राफ हैं जो वो दिए जाते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, आपने ध्यान रखना होता है कि आपको जो आपने समझाया स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, आपको टेंस की कौन सी कारण दी गई है, प्रेजेंट कारण दी गई है, पास्ट कारण दी गई है या फिर फ्यूचर कारण दी गई है. मोस्टली पैराग्राफ आपको प्रेजेंट फॉर्म में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है इसके बारे में केयरफुल रहना है. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पैराग्राफ आपको कौन सी जो है फॉर्म दी गई है, कौन सा टेंस जो है वो यूज किया गया है. ठीक है, अभी अगर हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है प्रेजेंट फॉर्म में है. पैराग्राफ के जहाँ स्टेटमेंट की एंड हो रही हो वहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन से टेंस की कौन सी फॉर्म है. आपने सारे टेंसेस किए हुए हैं, आपको आते भी हैं, इसलिए आप इस चीज़ की आपने मिस्टेक नहीं करनी. आपने जो वर्ब्स हैं या फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनका ध्यान रखना है ट्रांसलेट करते हुए. नाउ लेट स्टार्ट. जिंदगी के शेबो फ्राज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है. देखिए हमें क्या बताया गया है, फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं कि जो है ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बोल आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो है दो सेंटेंसेस को जॉइन किया गया है. कंडीशन बताई गई है कि अगर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, तो आप ट्रांसलेट पहले इस जब वैन वाला सेंटेंस आ जाए अपने फर्स्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया, फिर वैन का मिड में यूज किया, फिर उसके बाद दूसरा जो है उसको ट्रांसलेट किया. क्लियर हो गई ये चीज. सच मोमेंट्स अकर इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैन लाइफ व्हेन मैन टोटली लूजेस हिज होप. नेक्स्ट देखिए, इससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है. He becomes pessimist and the power of competition disappears. ठीक है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इसको किस तरह किया, He becomes pessimist and the power of competition disappears. ठीक है, ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है. कितनी खूबसूरत बात कही गई है, ये चीज जो है कि मुकाबले की सकत खत्म हो जाना या इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाए, ये चीज इंसान की अजमत के खिलाफ है. ठीक है, बेसिकली ये पैराग्राफ जो है अबाउट द होप है, जिसमें इंसान की जो है बताया गया कि इंसान की जिंदगी में उम्मीद कितनी जरूरी होती है, और उसके अलावा इंसान जो है अगर किसी भी किस्म की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, किसी भी हर किस्म के हालात से बाहर निकलना चाहता है कि उसकी जिंदगी के जो है बुरे दिन खत्म हो जाए, वो नाकामियों से उसका पीछा छूट जाए, कामयाबी उसका मुकद्दर बने, तो उसके लिए इंसान को मुकाबला करना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहादुरी से उनका मुकाबला करे इंसान, साबित कदम रहे, तो फिर किसी भी किस्म के हालात में इंसान को कामयाबी जरूर मिलती है. ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, ये इंसान की अजमत के खिलाफ है. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अजमो हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया. एक दफ़ा एक जगह बताया कि इंसान जब इंसान के मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है, फिर अगले ही लम्हे क्या दिखती है कि ये बात इंसान की इज्जत के खिलाफ है. और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो किसकी अजमो हिम्मत का नतीजा है, इंसान की. और वो अजमो हिम्मत किसने अता किया इंसान को, अल्लाह ताला ने. All the progress in the world in the result of determination and perseverance that God has granted to man. इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे. ठीक है, इसमें बताया कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हर किस्म की नाकामियों का उसको सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए. Man should never lose heart in
still he should face his failure manfully. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाब अता करेगा. और जहाँ जो है हमारे ये जो आप देख सकते हैं हमारे स्टेटमेंट का एंड हो रहा है, बाकी सारे जो हमारा पैराग्राफ है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन की गई है, होप की गई है, जिसमें बताया गया है कि इंसान अगर हिम्मत नहीं हारता तो एक दिन उसे कामयाबी ज़रूर अता की जाती है. अल्लाह ताला उसके उसके जो है सब्र का या उसके मेहनत का फल ज़रूर अता करता है. ठीक है, अल्लाह ताला हार्ड वर्कर्स की कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता. कहा जाता है कि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उन वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग लोग जो हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी मेहनत करने वालों की मेहनत ज़ाया नहीं होने देता. वन डे गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस, के एक दिन अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा और ज़रूर जो है वो कामयाबी से हम कनार होंगे. ठीक है, आपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है अच्छी तरह से, इसको लर्न करना, ये याद कि आपके होम असाइनमेंट है. बस ध्यान रखिए कि उसको ट्रांसलेट करते हुए अपनी वर्डिंग में करें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आपके आपको आपकी वोकैबुलरी में नहीं है उसे आप यहाँ बुक से लें और फिर उनको ट्रांसलेट करें पैटर्न को फॉलो करते हुए, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियरली समझाया, तो उसको फॉलो करें फिर इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें. कल इंशाल्लाह जो हम लोग हैं पैरा वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़.